सर सामने वो अलग बात है, सर सामने वो घर के अंदर की बात है। देखिए घर के अंदर की बात घर में रखनी चाहिए, इसलिए वो घर के अंदर की बात है, वो घर के अंदर रहेगी। उसको शरे बाजार घर की बात को नीलाम नहीं करना। घर की बात की थी आपकी पार्टी के प्रभारी बोल रहे हैं ऐसा मक्कन ने बोला जी, मक्कन ने कहा तो अच्छी बात है। अगर उन्होंने कहा है ऐसा, मेरे सामने तो ऐसा कोई वीडियो नहीं कहा है, तो आप उनसे पूछिए। आप लोग काम संभालेंगे मंत्री का कि नहीं? फिलहाल मैंने आपको कह दिया घर की बात घर में रहेगी, इसके अलावा मुझे कुछ भी कहना नहीं है। कल ऑफिस जाएंगे नहीं जाएंगे, जब तक हमारे को जो जिम्मेदारियां हैं सामने 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 जो जिम्मेदारियां जनता ने प्रदेश की जनता ने दी है वो सारी जिम्मेदारियां हम निभाते रहे। मैच की बात अगर करें तो सियासत में आप कहां मान के चल रहे हैं कि विनर ही रहने वाले हैं? हर चीज का समय होता है, समय से पहले कुछ भी तय नहीं होता है। जब सही समय आता है तो सबको पता लगता है। स्टॉक सही लग रहा है, आप जो मार रहे हैं शॉट मार रहे हैं शॉट सही लगा है निशाने पर। देखिए ये आपके घुमा फिरा के जो मसालेदार सवाल है अशोक जी, मैं अभी उसके ऊपर कुछ भी नहीं। अशोक जी सवाल ये कि मानेसर वालों को क्या इनाम मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए जो मानेसर गए थे? सारी बात हमारे सीनियर लीडर्स ने कल कह दी है। मैं इतना बड़ा सदस्य नहीं हूँ कि मैं उनके ऊपर कुछ जाकर कहूँ। तो जो भी बात है सीनियर लीडर्स ने कह दी है और वो आपके सामने है, लीडर कह चुके हैं और आप हर चीज को प्रदर्शित कर चुके हैं, उसी बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अच्छा ये बता दे 102 आगे क्या जिनको नेता बनाया जाना चाहिए, आप भी उसी आप क्या चाहते हैं कि 102 से हो या कोई और? वही सवाल है क्या वो भावना भी आपकी भावना क्या है आपकी व्यक्तिगत तौर? कल जिन जिन लोगों ने साइन किए उनकी क्या भावना है, उन्होंने साइन भी किया है और उन्होंने आलाकमान के सामने अपनी बात भी रखी है। माध्यम अलग तरह से रहा, परिस्थितियाँ अलग थी, इसलिए अलग तरह का माध्यम। क्या भावना थी? आप सब कुछ प्रदेश की जनता को बता चुके हैं, नया कुछ भी बताने के लिए मेरे पास में नहीं। ये संकट कब तक रहेगा, कब तक टल जाएगा? कोई संकट है ही नहीं, नहीं आपका रिजाइन तो प्रदेश की जनता के काम चलते हैं और चलते रहेंगे, संकट किस बात का है? ना कोई बाढ़ आ रही है ना कोई भूकंप आ रहा है, जनता का काम जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे, संकट किस बात का है? चल नहीं पाएगा ना, एक मिनट चल नहीं पाएगा ना, संकट चल नहीं पाएगा। अच्छी बात है तो आप उनसे पूछिए किस बात का संकट है। मंत्री का काम कैसे करेंगे जब रिजाइन आपने दे रखा है सर? तो नहीं तो ये तो एक बात बताई है, मॉरली क्या होता है, जब तक जो जिम्मेदारी वो तो निभानी पड़ेगी, जब तक जो जिम्मेदारी होती है तब तक उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जब जिम्मेदारी से जो व्यक्ति मुक्त हो जाए तब वो मुक्त है। तो आप मुक्त हो गए ना, आपने रिजाइन दे दिया, अभी तो समय बताएगा ना, रिजाइन तो दे दिया ना आपने, आप ये तो समय बताएगा ना। आपके कैबिनेट मंत्री जी हैं, आपके सहयोगी मंत्री राजेंद्र गुड़ा, उनका ये जो इस्तीफा वाला था वो सब नाटक था। आप दूसरे जो भी कमेंट करते हैं आप उन्हीं से जाके पूछिए ना, कौन क्या सोच कर कहता है इसका जवाब मेरे पास है क्या? नोटिस दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़वाया जाए, क्या आप लोग कल जो आप लोगों को जाना था 27 को क्या आप लोग जा रहे हैं? देखिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या कहा है, अभी तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, मैं कैसे उसके ऊपर कोई कमेंट कर सकता हूँ? और कांग्रेस वर्किंग कमेटी से बड़ी कोई कमेटी नहीं है भारत में, उसके ऊपर कमेंट हम कौन है करने वाले? वो जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा, अभी आप दो दिन पहले कुछ बता देंगे उसे क्या हो जाएगा? आपको कोई तकमा मिलने वाला है, सैलरी इंक्रीज मिलने वाला है? जब मैं कह रहा हूँ मेरे पास उससे ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। आपने कहा कि लेकिन जब परिवार में नाराजगी बढ़ी है तो हम तो परिवार के अंदर ही रहे, सब लोग परिवार के अंदर है, घरों के अंदर हैं, घर के अंदर जाके बात कर रहे हैं। बताइए कोई सड़क पे आया, कोई कोई मध्य प्रदेश गया, कोई मानेसर गया, क्या कौन कहाँ गया? यही घूम रहे घरों में घूम रहे जबरदस्ती साइन कराएंगे उनके। हाँ तो लाओ किसको? वो दो एमएलए को हमको भी पता लगे किसका हाथ पकड़ा किसका। इंदिरा मीणा ने तो मैं तो कह रहा हूँ आपको, जिसने जो बोला है उसका स्पष्टीकरण आप उनसे ही मांगिए, मुझसे उसी बात का स्पष्टीकरण मांगिए जो मैंने बोला। ठीक है थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। या तो आप गपोड़े मार रहे थे और बिना कुछ जाने हाँ कर रहे थे, जब आपको सब पता है और उससे ज्यादा मुझे पता नहीं है तो आप मुझसे पूछ क्यों रहे हैं? जो भी समय होगा समय के साथ में सब चीजें आप लोगों के सामने आ जाएगी, कुछ भी चीज छुपी नहीं रहेगी। दबाव डाल रहे हैं कि आप इस्तीफा मंजूर करवाइए सीपी जोशी से, ऐसा है क्या? ये घर की जितनी भी बातें हैं मैं घर से बाहर नहीं करूंगा, ये परिवार के अंदर की बातें हैं। जब परिवार होता है, बहुत बड़ा परिवार होता है, तो छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी अंदर कई बातें होती हैं, वो परिवार के बाहर कहने की नहीं होती।